1951 स्वार्थमोर कॉलेज डॉक्टर सोलोमन एस ने एस कन्फॉर्मिटी स्टडी के नाम से एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने कुछ दो या तीन ग्रुप्स बनाए और दोनों तीनों ग्रुप्स में एक इंटेलिजेंट आदमी को रखा और बाकी 5-7-8 बहुत ही एवरेज लोगों को रखा, या बोल सकते हैं उनको वहाँ प्लेस किया गया, उनको बता दिया गया कि तुमको क्या करना है, और इस तरह से तीनों ग्रुप फॉर्म कर लिए। तीनों ग्रुप फॉर्म करने के बाद तीनों ग्रुप को एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर में कुछ लाइंस खींच के दे दी गई, जिसमें से ए बी सी डी लिख दिया गया, प्लस एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन में हल्का फुल्का डिफरेंस था, कोई कम लंबी थी कोई ज्यादा लंबी थी, और तीनों ग्रुप को ये बोला गया कि आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सी लाइन इसमें सबसे लंबी है और कौन सी लाइन इसमें सबसे छोटी है। दोस्तों बाकी जो ग्रुप में लोग थे उनको ये बोला गया कि ये आदमी जो भी लाइन बताए तुमको इसको ये बताना है कि नहीं यार ये राइट आंसर नहीं है, अगर वो ए बोलता है तो आप बोलना बी या सी, ये राइट आंसर है, यानी सही को गलत बताना है। और स्टडी शुरू हो गई। जैसे ही पहले ग्रुप में किसी ने बोला ए इज द राइट आंसर, बाकी लोगों ने बोला नहीं नहीं यार तुमको गलत लग रहा है, ये देखो ये पास वाली लाइन इससे बड़ी है, और 2-3-4-5-7 मिनट के बाद जो राइट आदमी था, जो ब्रिलियंट था, जो जीनियस था, उसने भी ये मान लिया कि उसके ग्रुप के जो लोग बोल रहे हैं वो सही है। और ये एक्सपेरिमेंट तीनों ग्रुप में सेम ही रहा, हर ग्रुप में जो राइट आंसर था उसको इवेंचुअली लोगों ने रॉन्ग बताया, और जो मेन लीडर था उसने ये मान लिया कि ये गलत आंसर है। इससे ये प्रूफ हुआ कि हम जब किसी सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी लोगों के समूह के बीच में रहते हैं, अगर हम सही भी हैं और बहुत सारे लोग उसको गलत बोलते हैं तो हम ये मानने लग जाते हैं कि हम गलत हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में यही होता है कि हम कुछ सही कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ लोग आके बोलते हैं नहीं नहीं यार ठीक नहीं लग रहा है, लगता है ये बिजनेस चलेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि तुझे इंजीनियर बनना चाहिए, और हम उस चीज को मान के उस चीज को छोड़ दें। और शायद इसीलिए सोसाइटी में एक बड़ा सा कॉमन सा वर्ड है, ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, ये चार लोग वही हैं जो सही वाले को गलत बताते हैं। तो दोस्तों आप अपने बारे में इस कॉन्फिडेंस को कैरी कीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो राइट है। हाँ, वो राइट जो है उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि ये राइट है, उसके बाद लोग कुछ भी बोलें आप उस चक्कर में मत जाइए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए।